Hello, Assalamu Alaikum. Hope you all are fine. Today we will continue the different topic of an introduction to study of English literature by Hudson. तो अब हम चैप्टर टू में हैं और चैप्टर टू का जो थर्ड टॉपिक है टेंस फार्मूला ऑफ लिटररी इवोल्यूशन, इस पे हम बात करेंगे आज. हिपोलेट टेन जो कि फ्रेंच थ्योरिस्ट था, इसने जो है वो 19वीं सदी में ज़्यादातर साइंटिफिक अप्रोच से मुतासर होकर, या एक ऐसा एज, एक ऐसा दौर जिसमें लोग हर चीज़ को साइंसी नुक्ते नज़र से देखने के जो है वो शौकीन हुए थे, तो इसने भी एक आइडिया दिया कि हम जो है वो लिटरेचर को जो है वो साइंटिफिकली बनाएं, उसको साइंटिफिकली स्टडी करें. और टेंस के फार्मूले में तीन चीज़ें हैं, जैसे कि रेस, मिल्यू एंड मूवमेंट. अगर हम इनको पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू टेंस के हम लिटरेचर को साइंटिफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं या उसको हम साइंटिफिकली समझ सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. टेंस अटेम्प्ट टू इंटरप्रेट लिटरेचर इन रिगरसली साइंटिफिक वे बाय हिज फार्मूला. तो वो रिगरसली लिटरेचर को साइंटिफिक बनाना चाहता था. आई गेस इन वेरी सेकेंड लेक्चर इन दिस वीडियो सीरीज मैंने इस पर बात की है कि लिटरेचर इज़ अ लिटरेचर एंड साइंस इज साइंस, बट अगेन देर आर द पीपल वो कोशिश करते हैं कि वो हर चीज़ को एक ही नुक्ते से देखें, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सच की कोई एक साइड नहीं होती, सच के बहुत सारी साइड्स होती हैं. और हमें होलनेस में सच तभी समझ में आता है जब हम ट्रूथ की वो सारी साइड समझें. लेकिन अगर आप एक एनक लिए, आप एक नज़रिए से या एक ही चीज़ से पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे तो ये रिडक्शनिज्म हो जाएगा, तो वो लिटरेचर तो नहीं है. बहरहाल टेंस, सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंस क्या कहना चाह रहे हैं, कि रेस से मुराद क्या है, मिल्यू से मुराद क्या है, और मूवमेंट से मुराद क्या है. और फिर हम ये भी समझेंगे कि हडसन क्यों कह रहा है कि ये कैसे इस थ्योरी में जो है वो नुक्स है. सो रेस क्या है? रेस इज़ हेरिडेटरी टेम्परमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ पीपल. अच्छा, अब टेंडेंसी होती है ना किसी कौम में, अगर फ़र्ज़ करें कोई कौम है तो उनका एक टेंडेंसी होगी, एक मेंटल एटीट्यूड होगा चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ, कायनात की तरफ. तो वो कह रहा है कि अगर आप लिटरेचर को, अगर आप साइंटिफिकली स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे समझेंगे? आप उसको समझेंगे जब आप रेस, मिल्यू और मूवमेंट पूरे सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेन समझता है कि जो इंसान है वो सोसाइटी की पैदावार है. फॉर एग्जांपल राइटर, कोई भी राइटर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी. अगर वो आदमी उस सोसाइटी की पैदावार है तो जाहिर है जो लिटरेचर को प्रोड्यूस करता है वो आदमी होता है, वो राइटर होता है. तो जाहिर है देयर शुड बी अ कनेक्शन देन. तो उस कनेक्शन को समझने के लिए इसने जो फार्मूला बनाया वो ये है. नंबर वन, रेस इज़ अ हेरिडेटरी टेम्परामेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ पीपल. यानी कि देर आर सर्टेन नेशन इन द वर्ल्ड दैट हैव गॉट सेम टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग, सेम टेंडेंसी ऑफ देयर इमोशनल साइड, या जो कल्चर होता है उस हिसाब से. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर किसी भी राइटर को समझना है तो हम देखेंगे वो किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, वेदर इट इज़ अ फ्रेंच, वेदर इट इज़ जर्मन आर इंग्लिश आर ईरानियन आर अरब आर पाकिस्तानी आर इंडियन व्हाटएवर. तो वो देखेंगे कि वो किस कौम से, किस रेस से उसका ताल्लुक है. फिर मिल्यू पे आएंगे, ये क्या है? इज़ द टोटलिटी ऑफ देयर सराउंडिंग्स, पॉलिटिकल आर सोशल कंडीशंस आर फिज़िकल इन्वायरमेंट, इवन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. तो दूसरा होता है मिल्यू. मिल्यू से मुराद है कि आप जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहते हैं, किस किस्म के स्कूल्स में पढ़ते हैं, किस किस्म के वहाँ पे सियासी इदारे हैं, किस किस्म का वहाँ पे कल्चर है. तो जो राइटर जो पैदा होता है, जाहिर है वो उस माहौल से, उस कल्चर से, उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, वो जो पूरा जो फिज़िकल इन्वायरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द टेंस, वो राइटर के जहन पे असर अंदाज होता है. तो अगर हम किसी भी राइटर को समझना चाहें तो पहले देखेंगे कि वो किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, और वो उसके जिस सोसाइटी में, जिस समाज में रहा, वहाँ पे कौन से इदारे हैं, ओवरऑल वहाँ पे जो कल्चर था वो क्या था, उसको हम स्टडी करें. एंड देन मूवमेंट. मूवमेंट क्या है? इज़ अ स्पिरिट ऑफ एज आर अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ नेशनल डेवलपमेंट रीच डेट गिवन टाइम. अच्छा, मूवमेंट से मुराद है वो स्पिरिट ऑफ एज. अब स्पिरिट ऑफ एज जो कि हमने ऑलरेडी इस चैप्टर टू के जो फर्स्ट जो टॉपिक है
हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिटरेचर या जैसे कि कहते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल लिटरेचर, और उसमें हमने सीखा कि किस तरह अगर आप लिटरेचर को हिस्टोरिकली देखना चाहते हैं तो फिर उसकी दो साइड्स होती हैं, एक कंटिन्यूस लाइफ कंटिन्यूस स्पिरिट और दूसरा है कि हर एज में वो जो स्पिरिट है वो डेवलप कैसे हुआ है। तो टेन ये समझता था कि अगर आप लिटरेचर को साइंटिफिकली समझना चाहते हैं तो फिर आप लिटरेचर को साइंटिफिकली इस बुनियाद पे समझेंगे कि जो एक राइटर है वो किसी समाज की पैदावार है, और अगर समाज में रेस है और अगर समाज में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर समाज में एक सोशल जो है वो स्टैंडिंग है, तो वहाँ पे जो भी सोच रस्म रवाज जो चीज़ें हैं वो राइटर पे असरअंदाज होती हैं, तो ज़ाहिर है राइटर वो भी लिखे जो भी लिखेगा वही होगा जो समाज में मौजूद होगा। तो ये इसकी जो है वो थ्योरी है, और लिटरली स्पीकिंग मे बी इन 18th सेंचुरी टेन की थ्योरी को बहुत सीरियस लिया गया और लोगों ने इस पे गौर भी किया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज टेन के बारे में मे बी शायद फ्रांस में भी बहुत कम पढ़ाया जा रहा हो उसकी ये जो थ्योरी है, स्पेशली व्हाट हैपेंड इन जर्मनी जो हिटलर ने रेस के नाम पे किया, ठीक है, तो ऑलरेडी इन ट्रम्प को जो है वो फिर ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई गई। बहरहाल तो ये हो गया फार्मूला टेन का कि अगर आप लिटरेचर को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। आप किस तरह एनालाइज करेंगे रेस को और मिले को मूवमेंट को, राइट, और उसके बाद आप बताएंगे कि राइटर ऐसे ऐसे लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, और वो इसने इसी बुनियाद पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी लिखी थी। तो खैर अब हडसन क्या कह रहा है, हडसन कह रहा है कि टेन डज नॉट सी लिटरेचर एज अ लिटरेचर बट अ डॉक्यूमेंट ऑफ अ नेशन साइकोलॉजी थ्रू विच ही वांट्स टू स्टडी सोसाइटी। तो हडसन का ख्याल है कि लिटरेचर एज अ लिटरेचर को नहीं देख रहा मिस्टर टेन। क्यों नहीं देख रहा? क्योंकि वो समझ रहा है कि वो अगर किसी भी लिटरेचर को पढ़ना चाह रहा है तो वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, वो कौम की नफसियात के बारे में है ना, कौम की नफसियात मीन्स रेस एंड देन मिल्यू एंड मूवमेंट उसके बारे में है, और वो क्या करेगा कि मिसाल के तौर पे अगर कोई लिटरेचर है तो 16th सेंचुरी का कोई लिटरेचर है या 17 वो लिटरेचर पढ़ के उस सोसाइटी को समझ सके, तो जो कि एक नामुमकिन सी बात है। अगर आप 16th सेंचुरी समझना चाह रहे हैं तो आप 7 यूनिवर्सिटी विट्स हों, शेक्सपियर हो, मार्लो, जॉनसन हो, अगर आप इनके बुक्स पढ़ के 16th सेंचुरी समझ जाएं, ये बात समझने से बाहर है, मुमकिन नहीं है ऐसी चीज़। तो इसलिए वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं हडसन इस पर कि टेन क्या करता है कि वो लिटरेचर अदब को इस अदब नहीं ले रहा, वो उसको एक ऐसा डॉक्यूमेंट ले रहा है जिसके थ्रू वो किसी समाज की या कौम की नफसियात को समझने की कोशिश करता है। हडसन फाइंड्स टू डिफेक्ट्स इन टेन्स थ्योरी व्हिच इंडिकेट्स अ राइटर इज एक्चुअली प्रोडक्शन ऑफ थ्री इम्पर्सनल फोर्सेस दैट मेक्स हिम हैविंग दिस अप्रोच आर माइंड अकॉर्डिंग टू जर्नल साइकी ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। तो हडसन कह रहा है कि हडसन जो है वो दो डिफेक्ट्स देख रहा है। कौन से दो डिफेक्ट्स हैं? क्योंकि जो राइटर है वो क्या करता है कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं, जब हम बात करेंगे रेस की, मिल्यू की और मूवमेंट की, ये जो तीनों हैं ये, तो ये जो रेस मिल्यू और मूवमेंट है ये इम्पर्सनल फोर्सेस हैं, और आपको पता है कि साइंस बेसिकली उसकी को ही कहा जाता है जो चीज़ों को इम्पर्सनल वे में डिसइंटरेस्टेड वे में एनालाइज करे और समझे, और टेन ने भी यही फार्मूला दिया और उसने कहा कि जब हम राइटर को छोड़ के रेस मिल्यू और मूवमेंट को पढ़ेंगे तो हम लिटरेचर को इम्पर्सनली ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिव बुनियाद पे उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट द डिफेक्ट्स दैट हडसन फाइंड्स इन हिज थ्योरी। दो डिफेक्ट्स ये बात कर रहा है। द फर्स्ट डिफेक्ट ये है कि ऑफ हिज थ्योरी इज दिस, He neglects the important factor of personality. For him, individual becomes the sample of his race and epoch, while we know it is with the minor man the geniuses of the spirit of age is reflected. अब ये कौन सी गलती करता है जब वो अगर लिटरेचर को समझना चाहता है और वो इन तीनों चीज़ों को समझेगा तो वो बेसिकली फ़र्द को इग्नोर करता है, पर्सनैलिटी को इग्नोर करता है। अब आपको पता है कि जो इंसान है इस दुनिया में, हालांकि एक सादा सी मिसाल लें, हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग हैं, हर समाज में मौजूद लोग उसी रेस मिल्यू
ठीक है, मूवमेंट की पैदावार हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम एक ही सोसाइटी और एक ही कल्चर और एक ही माहौल में पड़े बले हैं, बट एट द सेम टाइम एवरीबॉडी ऑफ अस हैज़ डिफरेंट पर्सनालिटी। मतलब अगर ये एक इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव फोर्सेस की बुनियाद पे आप लिटरेचर समझ रहे हैं, और अगर सब लोग वहाँ से पैदा होते हैं तो फिर सब लोग एक जैसा सोचें, सब लोग एक तरीके से ही बिहेव करें, सब लोग जो है वो बिल्कुल सेम जो है वो जैसे फार्मी चूज़े होते हैं इसी तरह ही हों, पर ऐसा नहीं होता। इससे बिल्कुल इनकार नहीं है कि विद सो मैनी थिंग्स वो हम में कामन होती हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन इसके बावजूद भी हम में से बहुत लोगों के पास वो कुछ होता है जो बहुत डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता है। तो पहला फाल जो हडसन इसमें ढूंढता है वो ये है कि जब आप इम्पर्सनल फोर्सेस जैसे कि रेस मिल्यू और मूवमेंट को रीज़न करार देंगे तो फिर क्या होगा कि आदमी की पर्सनालिटी जो है वो मर जाएगी, उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। फॉर हिम इंडिविजुअल बिकम्स द सैम्पल ऑफ रेस। अब वो क्या करता है, इंडिविजुअल की बुनियाद पे किसी रेस को पहचानने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, साइंटिफिक तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी दौर के एक बड़े शायर को समझने की कोशिश करें, लेट्स टॉक अबाउट शेक्सपियर। तो क्या शेक्सपियर जिस तरह सोचता था, शेक्सपियर जिस तरह बोलता था, क्या 16th century के इंग्लैंड के लोग सारे शेक्सपियर का तरह सोचते थे? जवाब है नहीं। और अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे सिंध की बात करते हैं, हमारे पास शाह लतीफ़ हैं, ठीक है, 18th century में शाह लतीफ़ जिस तरह सोचते थे और जिस तरह उसका मेंटल व्यू था, क्या हम शाह लतीफ़ को सामने रख कर वो 18वीं सदी की जो ओवरऑल सिंध है वहाँ क्या लोगों की नफ्सियात के बारे में या एज के बारे में समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और हम तो ये समझते हैं कि जो हर दौर का जो जीनियस होता है, जो बहुत बड़ा राइटर होता है, वो उसमें इतनी हिम्मत होती है, उसमें इतनी मतलब स्ट्रेंथ होती है कि वो समाज में मौजूद रीतों और रस्मों के बरखिलाफ़ चले, तभी वो जीनियस बन पाता है, तभी वो एक बहुत अजीम स्पिरिट बन पाता है। आई डोंट थिंक सो दैट पीपल विथ कन्फर्मिटी, पीपल फॉलोइंग यू नो सेम यू नो नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन वुड बी एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो जब हम इस चीज़ की बात करें कि भाई आप लोग जो राइटर है वो इन इम्पर्सनल फोर्सेस की पैदावार है, तो उसकी जो जीनियस है, उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो इंटेलिजेंस है, हम उसको डिनाई कर रहे हैं, तो बेसिकली ये होगा भी नहीं है। मिसाल अगर हम और जनरली ग्रीक सोसाइटी में जाएं और हम सुकरात की बात करें, तो सुकरात जो है वो अपने कल्चर, अपने मिल्यू, अपने समाज से बिल्कुल एक अलग इंसान होकर खड़ा हुआ है, और तभी वो तारीख, वो ऐसे लोग तारीख बनाते हैं, डिफरेंट बनते हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे फर्स्ट डिफेक्ट जो है टेंस की थ्योरी में, वो ये है कि जब आप तीन इम्पर्सनल फोर्सेस को बुनियाद बना के चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो राइटर की इंडिविजुअलिटी या राइटर की जो इम्पर्सनलिटी होती है, जो उसकी जो पर्सनलिटी होती है, आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने पढ़ा कि फॉर हिम इंडिविजुअल बिकम्स द सैंपल ऑफ हिज रेस एंड एपक वी नो इट इज़ विद माइनर मैन द जीनियस इज द स्पिरिट ऑफ एज इज रिफ्लेक्टेड। और अगर वो जो स्पिरिट ऑफ एज की हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिटरेचर जो चैप्टर का पहला टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा था कि वो बहुत डिफरेंट होता है और वो चंद जीनियस लोग ही प्रोड्यूस करते हैं, बाकी तो मोस्टली जो कॉमन मैन होते हैं तो वो तो हर्ड साइकोलॉजी को ही फॉलो करते हैं और उनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नया नहीं होता। एंड लिसन, लुक एट दीज ब्यूटिफुल वर्ड्स, द स्ट्रांग मैन इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ करंट इन्फ्लुएंसेस। जो आदमी अंदर से मजबूत होता है, जो जिसको अकेले चलने की आदत होती है या हिम्मत होती है, तो वो तो इंडिपेंडेंट होता है। द स्ट्रांग मैन इज द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ करंट इन्फ्लुएंसेस। और जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, वो समाज के इन्फ्लुएंसेस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती, करेज नहीं होती कि वो अपना रास्ता बना सकें, अपने लिए एक अलग मकाम बना सकें। एंड दे आर नॉट द लीडर्स बट दे आर यूजुअली फॉलोअर्स, दे वुड यू नो अब जैसे कि आप अपने समाज में रहते हैं तो यहाँ पे मोस्टली लोग वही करते हैं जिसकी सोसाइटी इजाज़त देती है, और जिसकी सोसाइटी इजाज़त नहीं देती वो छुप छुप के करते हैं, राइट? बट देर आर सर्टेन पीपल जीनियसेस
वो अपने इल्म, अपने शऊर और अपने आर्ट के थ्रू दुनिया को, इस समाज को नए रास्ते तख्लीक करके देते हैं, नई चीज़ें बना के देते हैं। तो वो उस एज की प्रोडक्शन कैसे हुए, मिसाल के तौर पे जिस दौर में हम देखते हैं कि 90% लोग जो हैं वो एक कामन सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उनमें से 1-2% लोग ऐसे आते हैं जो उनको नए रास्ते, नई चीज़ें, नई तख्लीक करके देते हैं। और अगर हम इसकी थ्योरी को मान लें तो वो जो पर्सनालिटी है, हम उसके साथ बिल्कुल हटसन सही कह रहा है कि नाइंसाफ़ी करेंगे, उसकी जीनियस के ख़िलाफ़ जाएंगे। ये अल्फाज जो है उसको अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। अब देखें, ही हैज़ अ गिफ्ट आर अ पर्सनल क्वालिटी दैट मेक्स हिम स्टैंड आउट फ्राम टेम्परमेंट ऑफ नेशन। वो जो टेंडेंसी होती है, एक आम रवैया होता है किसी कौम का, जो जीनियस होता है उसमें एक सलाहियत होती है, ठीक है, पर्सनल क्वालिटी होती है, वो तो बिल्कुल अपने दौर से अलग खड़ा हुआ दिखाई देता है, वो अपनी रेस से अलग दिखा होकर डिफरेंट नज़र आ रहा होता है ना। तो जीनियस इज़ आर डिफरेंट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, नाम चॉम्स की, यू नो ही इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्राम वाट मोस्ट ऑफ द यू नो अमेरिकन डू थिंक, लाइक दे हैड पावर टू गो अगेंस्ट इवन देयर करंट थाट ऑफ द सोसाइटी। अब सेकेंड डिफेक्ट की बात करते हैं। अब सेकेंड डिफेक्ट क्या है? द सेकेंड डिफेक्ट ऑफ हिज थ्योरी इज दिस, वेन यू निगलेक्ट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी यू विल निगलेक्ट ओरिजिनेटिंग फोर्स। ओरिजिनेटिंग फोर्स मतलब जो कुवत, जो जीनियस, जो अंदर की सब्जेक्टिविटी इंसान की जो उसे प्रोड्यूस करवाती है। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का को डिनाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस ओरिजिनेटिंग फोर्स को भी डिनाई करेंगे, जो जो किसी शायर की, जो किसी आर्टिस्ट की इंडिविजुअल क्वालिटी होती है। नो डाउट सर्टेन फोर्सेस अफेक्ट ऑथर्स, इस बात से हम बिल्कुल इनकार नहीं करते कि रेस, मिल्यू और मूवमेंट जो है वो राइटर को ज़रूर ज़रूर अफेक्ट करती हैं, बट देर आर ऑथर्स हु अफेक्ट एज। लेकिन कुछ राइटर ऐसे होते हैं जो अपनी अपने आर्ट के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए वो पूरे समाज पे असर छोड़ते हैं। ये टू वे चीज़ है। कभी कभी जो समाज है वो लोगों पे अपना असर छोड़ता है, राइटर्स पे भी छोड़ता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बड़े और अजीम राइटर हैं जो पूरे एज पे अपना असर छोड़ते हैं, और वो जो अपना असर छोड़ते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी के बुनियाद पे, अपनी ओरिजिनलिटी की बुनियाद पे, अपनी तख्लीक की बुनियाद पे, वो ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वो सदियों तक याद रहता है, दुनिया आज तक नहीं भूली। जो रूमी का असर है इस पूरी दुनिया पे, वो अपने एज पे और आज के दौर पे, यहाँ जो शम्स जिस तरह इस चीज़ों पे, आप कैसे भूल सकते हैं कि देयर आर द पीपल हु आर स्टिल रीडिंग सार्तर, उसने फ्रांस पे अपने असरात छोड़े, एक बंदा था यू नो। तो जब बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि सार्तर को गिरफ्तार किया जाए, तो वहाँ पे जो जो हुकूमत करने वाले थे उन्होंने क्या कहा कि आई कैन नॉट अरेस्ट यू नो सार्तर, टू अरेस्ट सार्तर मीन्स टू अरेस्ट होल द फ्रांस। तो ये लोग हैं। तो सार्तर इज़ इंटायरली अ पर्सन, वो जो अपनी कौम और अपने मिल्यू से बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट दिखाई देगा आपको। एंड दिस इज़ वॉट बींग आर्टिस्ट वन शुड बी, इंटायरली डिफरेंट, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि हार्डली तारीख में कोई बहुत अजीम शायर या आर्टिस्ट बनाए जो हुक्मरानों की दरबारों में जाया करते हैं, और उनका ज़्यादा असर भी नहीं होता, लेकिन वो जो इनसे अलग खड़े होते हैं, डिफरेंट खड़े होते हैं, उनके अपने असरात होते हैं समाज में। सो ये कितनी बड़ी खूबसूरत बात है, ये जो दूसरी की ये है। आगे ये कहते हैं कि नो डाउट सर्टेन फोर्सेस अफेक्ट आथर, बट देयर आर आथर हु अफेक्ट एज, टेन डज नॉट टेक नोटिस ऑफ दिस। टेन को ये बात समझ में नहीं आई, टेन को ये बात समझ में आई फार्मूले में कि ये तीन इम्पर्सनल फोर्सेस राइटर पे कैसे अफेक्ट होती हैं, लेकिन ये तो वाइस वर्सा है, कभी कभी राइटर्स उस पूरे एज पे अफेक्ट करते हैं, और ये वो बात इसकी थ्योरी में नहीं है। दैट इज़ द सेकेंड डिफेक्ट दैट हडसन बिलीव टेन की थ्योरी में है। एंड लुक एट दीज थ्री लाइन्स, दे आर वेरी ब्यूटिफुल। अब इसमें आप समझ जाएंगे, वी मस्ट रिगार्ड अ ग्रेट राइटर एज द क्रिएटर एंड एज वेल एज द क्रिएचर ऑफ हिज टाइम।
यानी कि जो अजीम लिखारी होते हैं वो अपने दौर की मखलूक तो होते हैं राइट, लेकिन वो क्रिए खालिक भी होते हैं, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं अपना आर्ट, वो अपना जहन का बच्चा दे के जाते हैं, वो थ्योरी होती है उनकी, ठीक है, वो फिलासफी ऑफ लाइफ होती है और वो उनकी अपनी होती है, उनकी मेहनत से वो दिन रात पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्टडी करते हैं और वो ज़िंदगी को और दुनिया को उस नुक्ते नज़र से देखते ही नहीं हैं जिस तरह लोग देखते हैं राइट। आप कैसे किसी को साइंटिफिकली मनवाएंगे कि जो बुद्ध है वो अपने दौर की जो है वो पैदावार है? बिल्कुल है, लेकिन बुद्ध अपने दौर से बहुत आगे भी खड़ा हुआ नज़र आता है और उसने इंटायरली अपने दौर को इफेक्ट किया। इसी तरह जितने भी बड़े जीनियसेस हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, बिल्कुल अप टू 17-18 ईयर्स तक वो रेस मिली और मोमेंट उन पर अफेक्ट किया होगा उन पर, और बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उनके पास कुछ अपना भी है, डिफरेंट भी है जो वो दुनिया को ऑफर करते हैं। सो वाइल कीन टू अप्रिशिएट व्हाट द एज गेव टू हिम, वी मस्ट बी इक्वली सॉलिसिटस टू डिस्कवर व्हाट इज इन रिटर्न ही गेव टू द एज। इसीलिए जब आप इस बात की तारीफ करते हैं कि किसी एज ने, किसी दौर ने राइटर को क्या दिया, तो इसके साथ आप ये भी उसकी भी ज़रूर तारीफ करें जो कि उसने अपनी जीनियस और अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे डिस्कवर करके उस दौर को दिया, वो भी बहुत बड़ा होता है। तो ये डायलेक्टिकली आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं कि द वे द एज आर द वे द रेस मिल्यू अफेक्ट द राइटर इन सेम वे देयर इज़ द राइटर दैट अफेक्ट्स द एज, और वो सिर्फ एज सदियों उसका असर जारी रहता है। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली लिटरेचर इज़। अब अगर हम इसको इस ओवरऑल हम डिस्कशंस को हम ब्रीफली आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि टेंस कहता है कि रेस मिल्यू और मूवमेंट के थ्रू हम आर्ट को साइंटिफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, आर्ट को ऑब्जेक्टिवली समझ सकते हैं, ठीक है। और रेस और मिल्यू और मूवमेंट के बारे में वो क्या है वो मैंने शुरू में डिस्कस किया, लेकिन हडसन उसको दो डिफेक्ट्स नज़र आए कि जब हम इम्पर्सनल फोर्सेस को देखते हैं तो राइटर की इंडिविजुअलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और जब हम राइटर की पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करते हैं तो एट द सेम टाइम उसकी जो ओरिजिनेटिंग फोर्स है, दूसरा डिफेक्ट उसकी ओरिजिनेटिंग फोर्स है, हम उसका भी इनकार करते हैं। तो इस दो डिफेक्ट्स की बुनियाद पर जो भी हडसन ने कहा है वो बहुत सही है। और बेसिकली हडसन ये ने जब हमने पहले दो लेक्चर में ये बात की है कि हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ लिटरेचर वो कंटिन्यूस जो स्प्रिट है ना, और वो बिल्कुल हमें एज भी पढ़ना है, हमें इंडिविजुअल भी पढ़ना है, लेकिन हम उसको एज ए सोशियोलॉजिकल फोर्स करके पढ़ेंगे, नॉट साइंटिफिक। तो ये बात है, वो विल डूरान ने किसी किताब में लिखा है ना कि समटाइम्स पीपल जो है वो फिराक को पकड़ लाते हैं, दे किल हिम एंड टीयर हिम अपार्ट एंड क्लेम दैट दे आर स्टडिंग लाइफ, मतलब वो मेंढक को पकड़ के लाते हैं, उसको मार देते हैं, मेंढक को मारने के बाद दावा करते हैं कि दे आर स्टडिंग लाइफ, ठीक है। तो इन अ सेम वे जब टेन ये बात करता है कि हम लिटरेचर को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं तो इस सेम थिंग, तो आप सिर्फ बोन्स जो लिटरेचर बुक्स उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो लिटरेचर की रूह है, जो सब्जेक्टिविटी है, जो उसकी मिस्ट्री है, उस तक आप नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सी लिटरेचर एज अ लिटरेचर नॉट एज अ साइंस, जस्ट लाइक द साइंस कैन नॉट बी लिटरेचर राइट, साइंस कभी भी लिटरेचर नहीं बन सकती, तो लिटरेचर साइंस कैसे बनेगा। थैंक यू।